हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बैटल रॉयल गेम के बारे में। सो अगर आपके फ़ोन में 1 GB, 2 GB या फिर 3 GB रैम है तो आज की इस वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको जिस गेम के बारे में बताने वाला हूँ ये खास करके लो एंड डिवाइसेस के लिए ही बनाई गई है। सो गेम का नाम क्या है, गेम की फाइल साइज़ क्या है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, अगर बात करें इस बैटल रॉयल गेम के बारे में तो आप में से मैक्सिमम लोग इस गेम के बारे में जानते होंगे। जिनके फ़ोन में फ्री फायर या फिर BGMI रन नहीं करती है तो वो इसी गेम को प्रेफर करते हैं खेलने के लिए। तो अगर चाहे बात करें गेम नेम और फाइल साइज़ के बारे में, तो जो गेम है गाइस, बैकग्राउंड में आपको गेम प्ले दिख ही रहा है, तो इस वाली गेम का नाम है स्कोरफॉल और जो फाइल साइज़ है वो है तकरीबन 350 MB। अब इस वाली वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपको इस वाली गेम के जो भी कुछ अपडेटेड फीचर्स हैं उनको मैं आपको बता सकूं। अगर आपको पता होगा तो मैंने आज से तकरीबन कुछ मंथ्स पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने इसके ओल्ड वर्जन का पूरा डिटेल बताया था गेम के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर आपको उस वाले वीडियो को देखना है तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख लेना। तब से लेकर आज तक गेम के अंदर काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया है, मतलब पूरी गेम को ही चेंज कर दिया गया है। जो गेम के UI हैं, जो गेम के इन गेम फीचर्स हैं, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा भाई चलो एक वीडियो बनाकर आपको सब कुछ डिटेल में समझा देते हैं कि गेम के अंदर कौन कौन से फीचर्स पहले थे और उनको किन में जो है चेंज किया गया है। तो वीडियो को शेयर करते हैं और देखते हैं फर्स्ट जो है हम मोड के बारे में कि गेम के अंदर कौन कौन से मोड दिए गए हैं। तो अगर जो है आप इस वाली गेम को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी तो एक मेन लॉबी आती है जो कि बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है। अगर जो है आपने कभी इसका ओल्ड वर्जन खेला होगा, मतलब जाकर उस वाली वीडियो को देख लेना यार, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर बात करें गेम के मोड के बारे में तो यहाँ पर है गेम मोड। गेम मोड में देखोगे तो आपको बैटल रॉयल में 2 मोड मिल रहा है, एक है क्लासिक और एक है सर्वाइवल। और एयरकैड मोड में आपको केवल एक ही मोड मिल रहा है जो कि है टीम डेथ मैच। अगर बात करें हम मैप के बारे में तो क्लासिक में आपको एक मैप मिलता है और सर्वाइवल में आपको एक मैप मिलता है और टीम डेथ मैच में आपको 2 मोड मिलता है। अब कई जो सर्वाइवल मोड है इसको जो है आप बैटल रॉयल मोड कह सकते हो, और जो क्लासिक मोड है ये काइंड ऑफ बैटल रॉयल मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप टेक ऑफ करते हो फ्लाइट के थ्रू, उसके बाद जब आप लैंडिंग करते हो, अगर जो है आपने कभी पबजी बोले तो BGMI में अगर आपने एयरकैड मोड खेला होगा तो सेम टू सेम वैसा ही है इसमें। जब जो है आप लैंडिंग करोगे तो आपके पास पहले से ही एक गन रहेगी, जो भी सामने आपके एनिमीज आएंगे उनको मारोगे तो वो मर जाएंगे, और जब वो मर जाएंगे तो उसके बाद कुछ तो टाइमिंग चलता है, उसके बाद फिर से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कि इसको जो है आप एयरकैड मोड कह सकते हो, बट पता नहीं यहाँ पर क्लासिक मोड इसको क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर जो सर्वाइवल मोड है गाइज़, ये वही है बैटल रॉयल वाला। और अगर जो है आपने पबजी या फिर फ्री फायर खेली होगी, ऑब्वियसली आपने खेला ही होगा, तो सेम टू सेम आपको वैसा ही एक्सपीरियंस इस वाली गेम में मिलेगा। इस गेम में एक मैच में 100 प्लेयर होते हैं और जो एक मैच होता है वो तकरीबन 25 मिनट तक चलता है। गेम के अंदर जो है आपको प्रॉपर एक वेटिंग लॉबी दी जाएगी, जैसे जो है आपका टाइमिंग एंड होगा आपको टिक ऑफ करना होता है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो फ्लाइट है ये ओल्ड वर्जन में नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर कुछ तो ऐसा एक ड्रोन हुआ करता था जिसके थ्रू आपको टिक ऑफ करना होता था। तो अभी जो है इसको चेंज करके यहाँ पर प्रॉपर एक फ्लाइट दे दी गई है जिसके थ्रू जितने भी प्लेयर हों टेक ऑफ करते हैं और मैप पर लैंडिंग करते हैं, और जितने भी फीचर्स हैं वो काइंड ऑफ सेम ही लगे मुझे। मतलब जो मैप है मैप भी मुझे काफ़ी हद तक सेम ही लगा, लेकिन जो मैप के ग्राफिक्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है और जो करेक्टर की मूवमेंट है ये भी इम्प्रूव हो गई है। बाकी जो व्हीकल्स थी, जो है यहाँ पर गन वगैरह थी वो तो सेम टू सेम है, और जो करेक्टर वगैरह थे वो भी सेम टू सेम है, उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ मुझे काफ़ी का लगा था ओल्ड वर्जन में जो कि था प्रोन वाला, मतलब अगर जो है आप तब के टाइम में प्रोन होते थे तो जो आपका कैरेक्टर होता था वो काइंड ऑफ उससे हाइट हो जाता था, लेकिन अब इसको जो है थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है। अगर जो है आप अभी प्रोन होते हो तो आपको कुछ हद तक ठीक लगेगा, लेकिन अभी भी उतना जो है परफेक्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐसा दिक्कत करता है, लेकिन गेम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है गाइस। और एक चीज़ तो और चेंज करी गई है गेम में, तब के टाइम पर क्या था कि अगर आप किसी भी एनिमी को मार देते थे तो जो उसके पार्टिकल थे, लाइक जो भी एनिमी होता था उसके से छोटे छोटे पार्टिकल हवा में मिल जाते थे, मतलब जो
सीन था वो जो है काइंड ऑफ वैसे थैनोस वाला था, जैसे कि थैनोस मरता है ना, जैसे उसके बॉडी के पार्टिकल हवा में मिल जाते थे, सेम टू सेम वैसा कुछ इफेक्ट वहाँ पर दिया गया जो कि देखने में काफ़ी सही लगता था। लेकिन अब जो है उसको चेंज करके यहाँ पर जैसे कि पबजी और फ्री फायर में होता है किसी भी एनिमी को मारने के बाद पेटी बन जाती है, तो वही जो है चीज़ यहाँ पर भी ऐड कर दी गई है। मतलब अब स्कॉरफॉल को फुल्ली बैटल रॉयल मोड कर दिया गया है, मतलब कि जैसे कि आपको अदर बैटल रॉयल मोड में मिलता है सेम टू सेम आपको वही एक्सपीरियंस इस वाली गेम के अंदर मिलेगा। सो अगर आपके फ़ोन में 1GB 2GB या फिर 3GB रैम है और आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चाहिए फ्री फायर का जो कि आपके फ़ोन में हैंग ना करे लैग ना करे, तो आई थिंक ये वाली गेम काफ़ी सही होगी। और गाइस इस गेम के लेटेस्ट वर्जन में गेम के अंदर से एक मोड रिमूव कर दिया गया है जो कि है ऑफलाइन मोड। मतलब ओल्ड वर्जन में एक मोड हुआ करता था जो कि था ऑफलाइन, एक था ऑनलाइन। मतलब अगर आपके पास इंटरनेट है तो गेम को आप ऑनलाइन खेलो, इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है तो गेम को आप ऑफलाइन में भी खेल सकते थे। बट करंट वर्जन में क्या है गाइस कि उस ऑफलाइन मोड को गेम के अंदर से रिमूव कर दिया गया है। अभी क्या है कि अगर आपको स्कॉरफॉल को खेलना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी आप गेम को खेल पाओगे। मतलब गेम के जो डेवलपर्स हैं वो टाइम टू टाइम गेम को अपडेट करते जा रहे हैं और इस वाली गेम को ये जो है कंप्लीट करा रहे हैं अदर बैटल रॉयल गेम से, और सही भी है। मतलब गेम को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी किया है, गेम के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड करे हैं, जो पुराने फीचर्स थे उनको अपडेट करके न्यू फीचर्स में इन्होंने बदल दिए हैं। तो गाइज अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा रैम नहीं है और आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चाहिए फ्री फायर का या फिर VGMI का जो कि आपके फ़ोन में चल पाए, तो आई थिंक ये वाला जो गेम है, ये वाली जो गेम है आपके फ़ोन के लिए काफ़ी सही होगी। गेम ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ये जो गेम है प्रॉपरली ऑनलाइन वर्क करती है, सो इस वाली गेम को आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। तो मैं आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, अगर आपको ये वाली गेम अच्छी लगी हो तो वहाँ पर जाकर आप गेम को डाउनलोड कर लेना। अगर जो है आपको इस वाली गेम के ओल्ड वर्जन के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, जाकर देख लेना, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइज हम मिलेंगे आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।